मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग आज लेटर एनालॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जैसे आपको दिया है NUS=YAD। जब भी हमें लेटर एनालॉजी में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं तो हमारा पहला काम क्या होता है, इनको जोड़ना। अब हमारा ध्यान कहाँ चला गया, जोड़ने पर चला गया। तो यार, जब जोड़ने पर हम गए तो 14 में हमने 11 जोड़ा, 25। अब यहाँ पर 11 जोड़ा लेकिन यहाँ पर 11 नहीं जुड़ रहा है। तो कभी हमारा जोड़ने से, घटाने से, विपरीत से कॉन्सेप्ट ना बने तो एक बार ध्यान से देखिएगा, इनको पलट करके भी देख लीजिएगा। जैसे देखिए NUS को पलटा तो हमें क्या मिल गया, SUN। अब ये एक ऐसा शब्द बना जिसका अर्थ निकलता है सन, और YAD को पलटा तो DAY। अब देखिए, आपको कुछ बात समझ में आ रही होगी। क्या बात समझ में आ रही है कि सन कब निकलता है, दिन में निकलता है। सन कब निकलता है, दिन में निकलता है। दोस्तों, ये सवाल बहुत पुराना है। आज से 30 साल पहले जब ये बनता था तब ऐसे बनता था, सूर्य दिन, है ना। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया, अब ये पैटर्न पर आ गया कि SUN को पलट दिया तो NUS YAD। अब हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, हम तो जोड़ने घटाने पर लगे हुए हैं, विपरीत पर लगे हुए हैं। तो कभी ऐसी सिचुएशन करो और आपकी बात ना बने तो एक बार पलट करके देख लेना। जब आपने पलटा तो पाया क्या, सन डे, और यहाँ पर जब आपने पलटा तो पाया क्या, मून। अब आपको मून कब दिखाई देगा, तो मून आपको नाइट में दिखाई देगा। और नाइट के लिए देखिए, ये विपरीत करके बना हुआ है THGIN। अगर आप इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, नाइट, NIGHT। तो अब आपका बन क्या गया, सन डे और मून नाइट। लेकिन इन्होंने इसको सीधे सीधे नहीं दे रखा था। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा आप जोड़ने घटाने और विपरीत पर ही मत जाइएगा, कभी कभी अक्षरों को पलट करके देख लीजिएगा और ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा। तो आपको ये बात अगर अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।